इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द कपिल शर्मा शो का दूसरा सीजन ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है। कपिल को कॉमेडी शो के जरिए ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने पिछले साल दिसंबर में गर्लफ्रेंड गिनी चतरथ से शादी की थी। कपिल की शादी को 5 महीने बीत चुके हैं और हाल ही में कपिल ने कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं। दरअसल HT कैफे को दिए इंटरव्यू में कपिल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बातें शेयर करते हैं, जिसमें वो पत्नी गिनी चतरथ के बारे में कुछ खुलासा करते नजर आए हैं। इसी बीच कपिल शर्मा का एक इंटरव्यू भी खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने बताया कि अगर वो कॉमेडियन नहीं होते तो पुलिस या सिंगिंग में अपना करियर बनाते। वहीं जब कपिल से ये पूछा गया कि शादी के बाद उनमें क्या बदलाव आए हैं, तो इस पर कपिल ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं शादी के बाद बदला नहीं हूँ, सिर्फ इतना बदलाव आया है कि पहले मैं शादी को लेकर जोक्स मारता था, लेकिन अब मुझे सच्चाई पता है, इसलिए जोक्स अब ज्यादा सच्चे लगते हैं। कपिल से जब गिन्नी के सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जब मैं पहली बार गिन्नी से कॉलेज में मिला था, तब मैंने देखा कि स्टेज पर उनकी कॉमिक टाइमिंग काफी बेहतर थी। वो मेरी सबसे बड़ी आलोचक यानी क्रिटिक रही है, वो मेरी सबसे बड़ी फैन भी है और मेरी सभी जोक्स पर काफी हंसती भी है। वहीं कपिल ने ऑडियंस को लेकर भी अपना प्यार जाहिर किया। उन्होंने कहा, ऑडियंस को हंसते हुए देखकर मुझे खुशी का एहसास होता है। जब मैंने 1 साल के लिए ब्रेक लिया था, उस समय भी मुझे जो प्यार मिला था वो बहुत ज्यादा था। मेरी ऑडियंस ने मेरा दिल खोल कर स्वागत किया। बता दें कि कपिल शर्मा के शो का अगला एपिसोड उनकी माँ को डेडिकेटेड होगा। कपिल कॉमेडी शो में मदर्स डे पर माँ जनक रानी से जुड़ी बातें बताएंगे। एपिसोड का प्रोमो रिलीज हो चुका है, जो कि माँ बेटे के प्यार से भरा हुआ है। वीडियो में कपिल इमोशनल भी नजर आए थे।